हेलो फ्रेंड्स फ्रेंड्स आज हम जिस टॉपिक में बात करेंगे वो हम लोगों ने पिछली वीडियो में जो स्टार्ट किया हुआ है ट्रांसक्रिप्शन उसी के मुताबिक हम लोग बात करेंगे। पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था कि ट्रांसक्रिप्शन की इनिशिएशन कैसे होती है, उसमें सिग्मा फैक्टर का रोल क्या है। इसके अलावा हमने पढ़ा था कि कौन सा स्टैंड कॉपी करता है उसे टेम्पलेट स्टैंड कहते हैं, एंटीसेंस स्टैंड कौन सा होता है, कोडिंग सेंस स्टैंड कौन सा होता है। इसके अलावा हमने पढ़ा था जो आरएनए पॉलीमरेज है प्रोक्रियोट्स में कितने तरह के होते हैं और कौन कौन से काम करते हैं, यूकेरियोट्स में कितनी तरह के होते हैं, बेसिकली प्रोक्रियोट्स में एक तरह का होता है। उसके बाद हमने पढ़ा था कि प्रोक्रियोटिक या यूकेरियोटिक जो आरएनए पॉलीमरेज है इसके कितने यूनिट्स होते हैं, जैसे हमने 5 पढ़े थे, 2 अल्फा 2 बीटा और 1 सिग्मा बॉन्ड। अब हम उसके बाद हमने पढ़ा था उसमें जीन की स्टार्टिंग में प्रोमोटर सीक्वेंस कौन सा होता है, जैसे डाटा बॉक्स भी हम लोगों ने पढ़ा है, ठीक है जी, प्रिंट बॉक्स सीक्वेंस भी हमने पढ़ा था। आज हम लोग चलेंगे कि उसकी इलॉन्गेशन इनिशिएशन हो चुकी है, अब क्या होगा, इलॉन्गेशन किस तरह चलती है। तो जैसे कि हम लोग पहले से जानते हैं कि जो आरएनए पॉलीमरेज होता है इसके 5 यूनिट होते हैं, 2 अल्फा और 2 बीटा और 1 सिग्मा फैक्टर। सिग्मा फैक्टर क्या करता है जी, आरएनए पॉलीमरेज को प्रमोटर सीक्वेंस के ऊपर, उस साइड के ऊपर जहां से जीन की ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट करनी है वहां पे बाइंड करने में मदद देता है, ठीक है जी। जैसे ही बाइंडिंग हो जाती है तो आरएनए पॉलीमरेज में ये जो बीटा वाले पार्ट्स हैं, ठीक है जी, ये जो बीटा वाले पार्ट्स हैं ये क्या करते हैं, न्यूक्लियोटाइड को ऐड करना शुरू कर देते हैं। न्यूक्लियोटाइड की एडिंग कैसे होती है, उससे पहले हम लोग देखते हैं कि जैसे ही आरएनए क्या करता है, आरएनए पॉलीमरेज इस टेम्पलेट स्टैंड के ऊपर चलना शुरू करता है तो सिग्मा फैक्टर, जैसे ही आरएनए पॉलीमरेज 10 न्यूक्लियोटाइड ऐड कर चुका होता है, ठीक है, 10 न्यूक्लियोटाइड आरएनए पॉलीमरेज ऐड कर चुका होता है तो क्या करता है, सिग्मा फैक्टर रिस्ट्रिक्ट करना शुरू कर देता है। तो लिहाजा अगर ट्रांसक्रिप्शन को स्टार्ट करना है या ट्रांसक्रिप्शन की इलॉन्गेशन चाहिए तो सिग्मा फैक्टर की रिस्ट्रिक्शन को खत्म करना पड़ेगा। तो उसका एक आसान तरीका क्या है कि एक प्रोसेस के जरिए जो सिग्मा फैक्टर है हम लोग इसी को ही रिमूव कर देते हैं। अब क्या होगा, सिग्मा फैक्टर डिसोसिएट हो चुका है तो अब इलॉन्गेशन इजीली हो सकती है। जो आरएनए पॉलीमरेज का कोर एंजाइम बचा है ये क्या करेगा, इसके ऊपर मूव करना शुरू करेगा, जिसे हम लोग इलॉन्गेशन कहते हैं। अब जब ये मूव कर रहा होता है तो तब क्या होता है कि सिग्मा फैक्टर रिमूव हो गया है, सिग्मा फैक्टर के रिमूव होने की वजह से आरएनए पॉलीमरेज जो कोर एंजाइम अब कहला रहा है ये इलॉन्गेट करेगा, ट्रांसलोकेट करेगा इसके ऊपर, जिसकी वजह से क्या होगा ये मूव करता जाएगा और इस तरह आरएनए या जिसे हम लोग मैसेंजर आरएनए यहां पे कह रहे हैं वो एक स्टैंड बनना शुरू होता है। जब ये मूव कर रहा होता है तो डीएनए के न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस को देख के उसके अल्टरनेट जो कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस होता है वो बनना शुरू होता है। तो यहां पे ये जो स्ट्रक्चर बनता है जिसमें क्या होता है, ये जो ब्लैक हिस्सा है ये डीएनए के स्टैंड पे शो कर रहा है और जो रेड हिस्सा है ये आरएनए के स्टैंड पे शो कर रहा है। तो क्या होता है जी, इलॉन्गेशन के दौरान एक पॉइंट पे क्या होता है, आरएनए डीएनए डुप्लेक्स बन जाता है, जिसे हम लोग आरएनए डीएनए हाइब्रिड डुप्लेक्स भी कहते हैं। लेकिन जैसे ही क्या होता है कोर एंजाइम मूव कर रहा होता है तो ये डुप्लेक्स पील ऑफ हो जाता है, ठीक है जी। डुप्लेक्स क्या होता है, जो आरएनए डीएनए डुप्लेक्स होता है, हाइब्रिड डुप्लेक्स जिसे हम लोग कहते हैं, ये जैसे जैसे ट्रांसक्रिप्शन चलती रहती है ये पील ऑफ हो जाता है, यानी कि साइड पे हो जाता है, अट्रैक्शन से दूर हो जाता है और इस तरह एक इनिशिएशन हो रही थी। अब जब न्यूक्लियोटाइड ऐड होने लगते हैं तो यहाँ पे एक बात क्लियर कर दी जाए, जैसे कि हमने पढ़ा है कि मैसेंजर आरएनए जो होता है इसके स्टार्ट के ऊपर मैथियोनिन, अगर प्रोक्रियोट की बात करें तो उसमें एन मैथियोनिन एन फॉर्मल मैथियोनिन का न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस होता है, जिसे हम लोग ए यू जी कहते हैं या इनिशिएशन कोडॉन कहते हैं। तो इसी को ध्यान में रखते हुए हम लोग आपको बताते हैं कि क्या होता है, जो पहला न्यूक्लियोटाइड यहाँ पे ऐड होता है ये ट्राई न्यूक्लियोटाइड, बेसिकली एटीपी जिस तरह आप लोग पढ़ते हो, एडिनोसिन ट्राई फॉस्फेट, तो इस तरह का मॉलिक्यूल होता है। तो जो सबसे पहला न्यूक्लियोटाइड मैसेंजर आरएनए के ऊपर होता है वो या तो ट्राई फॉस्फेट वाला एडिनोसिन हो सकता है या फिर गुआनोसिन होता है, लेकिन ज्यादातर ये न्यूक्लियोटाइड मैसेंजर आरएनए के 5 एंड के ऊपर, पहले एंड के ऊपर मौजूद होता है। अब जैसे जैसे ट्रांसक्रिप्शन चलती है तो क्या होता है, एक न्यूक्लियोटाइड आया उसके बाद दूसरा न्यूक्लियोटाइड आएगा, तो पहले न्यूक्लियोटाइड का 3 एंड की गैप फ्री है और दूसरे न्यूक्लियोटाइड का 5 एंड। इसको आप समझने के लिए हम लोग ऐसे समझ सकते हैं
क्या होता है ये 3 एंड का पहले न्यूक्लियोटाइड का और जो दूसरा न्यूक्लियोटाइड ऐड होने वाला है उसका 5 एंड के ऊपर फास्फोर, इन दोनों के दरमियान क्या होती है अट्रैक्शन होती है और यहां पे एक बॉन्ड बनता है ठीक है जी, जिसमें क्या होता है एक वाटर का मॉलिक्यूल रिमूव होता है, कार्बन ऑक्सीजन और फास्फोरस के दरमियान एक बॉन्ड बन जाता है, इस बॉन्ड को हम लोग कहते हैं फास्फोडाइएस्टर ठीक है जी, फास्फोडाइएस्टरेज बॉन्ड बनता है। अब ये जो फास्फोडाइएस्टरेज बॉन्ड होता है ये 3 टू 5 डायरेक्शन में होता है ठीक है जी, फास्फोडाइएस्टरेज बॉन्ड क्या होता है 3 टू 5 डायरेक्शन में हो रहा होता है और ये इसी तरह चलते जाते हैं, एक न्यूक्लियोटाइड फिर दूसरा फिर तीसरा, तो बेसिकली जब मैसेंजर आरएनए बनता है तो जो चारों न्यूक्लियोटाइड है एडेनोसिन ग्वानोसिन ठीक है जी, यूरिडीन और इसके अलावा साइटोसिन या साइटिडीन ये यूज होते हैं। अगर डीएनए के सीक्वेंस की बात हम लोग करते हैं तो जो डीएनए का सीक्वेंस होता है वहां पे भी यही चार सीक्वेंस होते हैं, बस यहां पे डीएनए की कंडीशन में थाइमिन लगी होती है ठीक है जी, जबकि जब आरएनए बनाया जा रहा होता है तो इसके अल्टरनेट जो होती है यूरासिल वो ऐड करना शुरू कर दी जाती है और ये हमने बता दी कि डुप्लेक्स बनता है तो अट्रैक्शन को खत्म करने के लिए जैसे जैसे एलोंगेशन कोर एंजाइम मूव करता जाता है ये डीएनए आरएनए डुप्लेक्स पील ऑफ हो जाता है। अब चलते हैं कि कितनी तेजी के साथ ये रिएक्टर जो हम कहते हैं कि न्यूक्लियोटाइड कितनी तेजी के साथ कितनी जल्दी एक मैसेंजर आरएनए बन सकता है, तो जो प्रोकैरियोट्स की अगर हम लोग बात करते हैं तो उसके अंदर जो मैक्सिमम रफ्तार है वो क्या है, ये जो इलोंगेशन के दौरान जो कोर एंजाइम या जिसे हम लोग ये कह सकते हैं कि आरएनए पॉलीमरेज जब सिग्मा फैक्टर रिमूव हो चुका है और इलोंगेशन कर रहा है न्यूक्लियोटाइड को ऐड कर रहा है, तो मिनिमम प्रोकैरियोट्स के अंदर बात की जाए तो ये 52 ठीक है 20 टू 50 न्यूक्लियोटाइड इन 1 सेकंड ठीक है जी, 1 सेकंड के अंदर कोर एंजाइम क्या करता है 20 से 50 न्यूक्लियोटाइड को अलाइन करके जोड़ता जाता है और एक मैसेंजर आरएनए बनाता जाता है। और किस डायरेक्शन में बनाता है ये हमने पहले भी बात की थी कि जितनी भी ट्रांसक्रिप्शन है रेप्लिकेशन है ये 5 to 3 एंड ही होती है, तो ये भी 5 to 3 एंड ही, जो मैसेंजर आरएनए बनेगा उसके जो 5 एंड पे फास्फेट होगा पहले न्यूक्लियोटाइड के वो खाली होगा 5 प्राइम एंड पे और जो आखिर वाला न्यूक्लियोटाइड होगा उसके ऊपर 3 प्राइम एंड के ऊपर OH फ्री होता है यानी कि रिएक्शन में नहीं होता, तो इसलिए हम लोग इसे 5 to 3 प्राइम कह रहे होते हैं। अब जब ये रिएक्शन हो गया तो क्या होता है ये चलता जाता है, जहां तक एक जीन मौजूद होती है या एक जीन की ट्रांसक्रिप्शन करनी होती है वहां तक होने के बाद अब जाहिर सी बात है कि उससे आगे ट्रांसक्रिप्शन तो नहीं करवानी, तो वहां पे एक सीक्वेंस आ सकता है ठीक है जी, वहां पे कोई रिलीजिंग सिग्नल मौजूद हो सकता है जिसकी वजह से कोर एंजाइम को पता चलता है कि यहां से ट्रांसक्रिप्शन खत्म करनी है, यहां तक मैसेंजर आरएनए बनाना था। अब सिग्नल की वजह से यहां टर्मिनेशन की हम लोग बात करें तो टर्मिनेशन दो तरह की है, नंबर 1 है आरएचओ इंडिपेंडेंट, इसमें कोई रिलीजिंग फैक्टर इन्वॉल्व नहीं होता, और नंबर 2 है आरएचओ डिपेंडेंट फैक्टर, इसमें क्या होता है एक रिलीजिंग फैक्टर इन्वॉल्व होता है। जो सबसे पहले इंडिपेंडेंट की बात करते हैं तो इसमें क्योंकि कोई रिलीजिंग फैक्टर नहीं है तो बेसिकली एक सीक्वेंस में मौजूद होता है, कौन सा पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस, अल्टरनेट होगा जीसी प्लस एटी पेयर का होता है जीसी 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 फिर एटी एटी, इस तरह एक सीक्वेंस चलता जाता है जिसकी वजह से क्या होता है कि जब न्यूक्लियोटाइड इस तरह के जैसे कि यीस्ट की कंडीशन की बात करें तो इस तरह के एक सीक्वेंस जीन के एंड पे मौजूद होगा, यहाँ पे मैंने इसे ब्लू कलर से शो किया है और उस सीक्वेंस को थोड़ा सा समझने के लिए बढ़ा करके ये दिखा दिया है। इस तरह क्या होता है स्टॉपिंग सिग्नल हम लोग कह सकते हैं टर्मिनेटिंग सिग्नल जीन के एंड के ऊपर मौजूद होता है, जब मैसेंजर आरएनए पॉलीमरेज का जो कोर एंजाइम की कंडीशन यहाँ से गुजरता है तो ये न्यूक्लियोटाइड को इस पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस के इक्वल ऐड करता रहता है उस लिहाज से कि उसके कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस के ऐड करता है, जिसकी वजह से क्या होता है यहाँ पे एक लूप बनना शुरू हो जाता है ठीक है जी, यहाँ पे एक लूप बनती है जिसे हम लोग स्टैम्प लूप भी कहते हैं ठीक है जी, हम लोग इसे स्टैम्प लूप भी कहते हैं। अगर स्टैम्प लूप नहीं तो हमने जो अक्सर आप लोगों ने पढ़ा होगा वो क्या है जी यू शेप हेयर पिन ठीक है जी, इस लूप को जो लूप बनती है कहां पे जब रिलीजिंग या टर्मिनेटिंग सीक्वेंस मौजूद होता है ठीक है जी, तो आरएनए पॉलीमरेज जब इसको क्या करता है ट्रांसक्रिप्शन के दौरान इसमें से गुजरता है इसके ऊपर से गुजरता है तो इसके अकॉर्डिंग जो कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस होता है वो ऐड करना शुरू कर देता है,
जब ये ऐड कर रहा होता है तो एक पिन बनती है जिसे हम लोग स्टैंड लूप या यू हेयर पिन कहते हैं। ये हेयर पिन क्या करती है, वहां से टर्मिनेशन करवा देती है कि आरएनए जो पॉलीमरेज का कोर एंजाइम था वो जब ये पिन बनती है तो इससे आगे ट्रांसक्रिप्शन नहीं कर पाता और ट्रांसक्रिप्शन खत्म हो जाती है। अब जो दूसरा प्रोसेस है जिसमें क्या होता है आरएनए डिपेंडेंट फैक्टर है, ज्यादातर यूकेरियोटिक में ये कंडीशन आ जाती है, तो क्या होता है एक रिलीजिंग फैक्टर होता है जो कि क्या होता है इस पैसेंजर आरएनए को जब आरएनए का जो पॉलीमरेज का कोर एंजाइम है ये ट्रांसक्रिप्शन कर रहा होता है तो पीछे पीछे स्ट्रैंड के ऊपर एक प्रोटीन फैक्टर मूव कर रहा होता है उसकी सीक्वेंस के ऊपर जिसे हम लोग आरएचओ फैक्टर कहते हैं या उसे स्मॉल पी से शो किया जाता है। जब ये फैक्टर रिलीजिंग सिग्नल तक पहुंचता है तो ये हेयर पिन नहीं बनने देता बल्कि वहीं से आरएनए पॉलीमरेज को ट्रांसक्रिप्शन करने से रोक देता है, वहीं से क्या करता है जो स्टॉपिंग जीन है जीन के एंड के ऊपर सीक्वेंस मौजूद है जिसमें टर्मिनेशन करवानी है, जैसे ही ये वहां तक पहुंचता है ये आरएनए पॉलीमरेज को और आरएनए पॉलीमरेज के साथ जो मैसेंजर आरएनए बना होता है उसको डिटैच कर देता है, डिसोसिएट तोड़ देता है ये समय में, और जिसकी वजह से करता है वहां पे इलोंगेशन बिल्कुल खत्म हो जाती है, जो मैसेंजर आरएनए बना होता है वो अब बाकी कामों के लिए यूज हो सकता है। अब जो बेसिक इलोंगेशन या टर्मिनेशन का स्टेप होता है ये भी हमने अक्सर देखा है पढ़ा है और इलोंगेशन में भी, अब हम लोग ये देखेंगे कि प्रोक्रियोट में जो मैसेंजर आरएनए बनता है या यूकेरियोट में जो मैसेंजर आरएनए बनता है पहली बात कि उसमें डिफरेंस क्या है, दूसरा प्रोक्रियोट और यूकेरियोट के अंदर जो ट्रांसक्रिप्शन होती है उसमें क्या क्या डिफरेंस आ सकता है। अब जैसे कि हमने पहले पढ़ लिया है कि प्रोक्रियोट के अंदर क्या होता है आरएनए पॉलीमरेज सिर्फ एक ही होता है, ठीक है जी, यही आरएनए पॉलीमरेज राइबोसोमल आरएनए बनाता है, यही आरएनए पॉलीमरेज मैसेंजर आरएनए बनाता है और यही आरएनए पॉलीमरेज टीआरएनए जिसे ट्रांसफर आरएनए कहते हैं बना रहा होता है। जबकि यूकेरियोट के अंदर क्या होता है जो आरएनए पॉलीमरेज 1 है ये राइबोसोमल आरएनए बना रहा होता है, जो आरएनए पॉलीमरेज 2 है ये मैसेंजर आरएनए बना रहा होता है और जो आरएनए पॉलीमरेज 3 है ये टीआरएनए ट्रांसफर आरएनए बना रहा होता है, ठीक है जी। उसके बाद इसके अंदर जो मैं बात कर रहा हूं कि टर्मिनेशन जो होती है बेसिकली वो स्टेम लूप की वजह से होती है या हेयर पिन की वजह से होती है। जो कि हमने देखा कि क्या होता है एक अल्टरनेटिव पैलेंड्रोमिक सीक्वेंस की वजह से जब न्यूक्लियोटाइड ऐड करते हैं तो वो सीक्वेंस क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं पैलेंड्रोमिक होते हैं उनकी अट्रैक्शन बनती है और एक यू शेप की हेयर पिन बन जाती है जिसे स्टेम लूप कहते हैं। उसके बनने की वजह से करता है वहां से टर्मिनेशन हो जाती है और ट्रांसक्रिप्शन खत्म हो जाती है। जबकि यूकेरियोटिक के अंदर क्या होता है अक्सर जो टर्मिनेशन होती है वो कोई रिलीजिंग फैक्टर की वजह से होती है, जैसा कि आरएचओ फैक्टर हम लोग कह सकते हैं। इसके अलावा जो हम लोग ने प्रोमोटर का पढ़ा है कि इनके अंदर एक को हम लोग 35 सीक्वेंस और दूसरे को 70 सीक्वेंस कहते हैं, जबकि इनके अंदर उन्हीं को हम लोग 25 और 10 सीक्वेंस का नाम दे रहे होते हैं। इसके अलावा जो एक मेजर डिफरेंस है प्रोक्रियोट की ट्रांसक्रिप्शन और यूकेरियोट की ट्रांसक्रिप्शन है वो है कि पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल प्रोसेस, यानी कि ट्रांसक्रिप्शन के बाद जो मैसेंजर आरएनए बना है बेसिकली उनमें क्या डिफरेंस आता है। तो जो इनके ट्रांसक्रिप्शन और प्रोक्रियोट के होते हैं वो जो मैसेंजर आरएनए बनते हैं वो कहते हैं पॉलीसिस्टोनिक होते हैं, जबकि यूकेरियोट के जो मैसेंजर आरएनए होते हैं वो मोनोसिस्टोनिक होते हैं। अब ये पॉलीसिस्टोनिक और मोनोसिस्टोनिक में क्या फर्क है, जो प्रोक्रियोट का मैसेंजर आरएनए बनता है उस मैसेंजर आरएनए के ऊपर क्या होती है एक से ज्यादा जीन का ट्रांसक्रिप्शन मौजूद होती है। फर्स्ट करें आप ये कह सकते हैं ये जीन 1 है ये एक प्रोडक्ट बनाने वाली है, ये जीन 2 है, जीन 2 से मतलब ये नहीं कि
ट्रांसफर आने के ऊपर जीन टू आ गई, मतलब उसकी जो ट्रांसक्रिप्शन से जो सीक्वेंस मौजूद है वो यहाँ से जी टू का, जीन टू का स्टार्ट है, ये कोई दूसरी प्रोडक्ट बनाएगी, यहाँ पे जीन थ्री है ये कोई दूसरी प्रोडक्ट बनाएगी, और एट द एंड जीन फोर है ये कोई दूसरी प्रोडक्ट बनाएगी। जबकि जो यूकेरियोट के अंदर मैसेंजर आरएनए होता है उसके अंदर क्या होता है, एक ही जीन की ट्रांसक्रिप्शन होती है तो सिर्फ एक ही प्रोडक्ट बनती है, लेकिन इसमें प्रोकैरियोट के अलावा डिफरेंस क्या है। तो जब यूकेरियोट के अंदर जब मैसेंजर आरएनए बनता है तो क्या होता है, एक मैसेंजर आरएनए के ऊपर इंटरवल होते हैं कि उसका कुछ हिस्सा कोडिंग है जिसने क्या करना है, कोई प्रोटीन की सेंसेस को कोड करना है, और उसका कुछ हिस्सा क्या होता है नॉन कोडिंग होता है जिसे हम लोग इंट्रॉन कहते हैं। ये एक्सॉन जो कोडिंग कर रहा है और जो नॉन जो हिस्सा कोडिंग नहीं कर रहा उसे इंट्रॉन कहते हैं, ये नॉन कोडिंग हिस्सा। अब पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन चेंजेस सिर्फ यूकेरियोट्स में, उसमें क्या होता है, ये तो इंट्रॉन है जो कि क्या कर रहा है कोडिंग नहीं कर रहा, इसको किसी तरीके से रिमूव करवाया जाए, ठीक है जी। और जो हिस्सा कोडिंग कर रहा है या करने वाले हिस्से हैं उनको जोड़ा जाए, ये इंट्रॉन था इसको रिमूव करवाया जाए, और जो एक्सॉन है, ठीक है जी, इंट्रॉन और एक्सॉन क्या होता है, जो इंट्रॉन है ये कोई चीज कोडिंग नहीं करता है, जो एक्सॉन होते हैं इनको कोडिंग करता है, बेसिकली आप ये कह सकते हैं कि इनको जोड़ के वो मैसेंजर आरएनए बनाया जाता है जिसने ट्रांसलेशन के दौरान कोई स्पेसिफिक प्रोटीन बनवानी है, स्पेसिफिक पॉलीन्यूक्लियोटाइड बनाना है। अब प्रोक्रियोट के अंदर जाहिर सी बात है ट्रांसलेशन से पहले क्या होता है, जो मैसेंजर आरएनए सॉरी यूकेरियोट्स के अंदर ट्रांसलेशन से पहले जो मैसेंजर आरएनए बना उसमें चेंजेस आती हैं, इन चेंजेस को हम लोग कहते हैं पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन चेंजेस, ठीक है, पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल चेंजेस। अब ऐसी कंडीशन में जाहिर सी बात है एक मैसेंजर आरएनए का स्ट्रक्चर में थोड़ी बहुत तब्दीली आई है, क्यों, यहां पे जो हिस्से थे जब उसे ट्रांसलेशन के लिए तैयार किया जाएगा तो वो हिस्से जो कुछ काम के नहीं करते, कोई काम के नहीं, कोई कोडिंग का हिस्सा नहीं है, इंट्रॉन है, उसे रिमूव करके ये बनाया जाता है। तो ऐसी कंडीशन में जो ट्रांसक्रिप्शन के दौरान यूकेरियोट में मैसेंजर आरएनए बनता है उसे प्राइमरी मैसेंजर आरएनए कहते हैं, और जो कि पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन चेंजेस के बाद बनता है हम इसे सेकेंडरी मैसेंजर आरएनए। अब ये जो सेकेंडरी मैसेंजर आरएनए जो किन के ऊपर मुश्तमिल है, सिर्फ एक्सॉन एक्सॉन